हेलो एवरीवन, मैं हूं क्रैकी एंड वेलकम टू ईस्पोर्ट्स इन 5। इस शो में हम नजमाने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ ईस्पोर्ट्स में हो रही सारी चीजों के ऊपर इन जस्ट अंडर 5 मिनट्स। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। ओरांगोटान ने अपना लेटेस्ट वुमेन्स रोस्टर अनाउंस किया है। इसमें शामिल है जपीप्स, क्लोई, जीनी, कैप्रिशियस और कैस्पर। जीनी और कैप्रिशियस टीम के लेटेस्ट एडिशंस हैं। दोनों एथलीट्स फिलीपींस के हैं और इससे पहले वो वीसीटी गेम चेंजर्स एपेक लीग 2022 में थर्ड आए जोन मेराकी स्क्वाड का हिस्सा थे। इस रोस्टर में अपनी हेल्थ ब्रेक के बाद कैस्पर का कंपेटिटिव सीन में रिटर्न देखने मिल रहा है। इस स्क्वाड की आईजीएल होंगी जीनी। एनलाइटन शिवांगी ने हाइड्रा ईस्पोर्ट्स ज्वाइन किया है एज अ कंटेंट क्रिएटर और ये आने वाले दिनों में हाइड्रा में से जुड़ने वाले कंटेंट क्रिएटर्स में से एक है। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब शिलोंग में इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग शुरू करने वाले हैं बाय मार्च 2023। मंत्री जी ने यह भी कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के यूथ को डिजिटल स्किल्स इम्पार्ट करना और उन्हें तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी में जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए एनेबल करना ये नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट का खास उद्देश्य है। पिछले हफ्ते हाल ही में हुए ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स टू आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 इन रिलेशन टू ऑनलाइन गेमिंग के रिगार्डिंग 40 प्लस इंडियन वीडियो गेम और ई-स्पोर्ट्स कंपनीज के एक कंसोर्शियम ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया। इस कंसोर्शियम को ऑर्गेनाइज किया है आउटलायर गेम्स के फाउंडर हरीश चंगैया और .9, एनकोर, सुपर गेमिंग, गेमेशन और न्यूजन गेमिंग जैसी कंपनीज इसमें शामिल हैं। इस कंसोर्शियम ने ड्राफ्ट रूल्स के लिए रिकमेंडेशंस दिए जो वीडियो गेम्स और ई-स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के ग्रोथ और सस्टेनेंस को प्रोटेक्ट करते हैं और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से अलाइन करती कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को बनाने में मदद करते हैं। इन रिकमेंडेशंस में कंसोर्शियम ने कहा कि वीडियो गेम्स और ऑनलाइन गेम्स दैट आर प्लेड फॉर स्टेक्स के बीच में रेगुलेटरी डिस्टिंक्शन करना जरूरी है क्योंकि ये दोनों अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग इंडस्ट्रीज, अलग इकोसिस्टम्स और रेगुलेशन के लिए अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स हैं। ये कंसोर्शियम मिनिस्ट्री को वीडियो गेम्स को एंटरटेनमेंट और आर्ट फॉर्म की तरह ट्रीट करने के लिए और रियल मनी गेम्स को ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट के अंडर लेजिस्लेट करने के लिए अर्ज करते हैं। ये कंसोर्शियम ये भी रिकमेंड करता है कि वीडियो गेम्स को इंडिया स्पेसिफिक एज और कॉन्टेंट रेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट करना चाहिए और इसके लिए एक वीडियो गेम्स इंडस्ट्री सिस्टम रिव्यू बोर्ड सेटअप करना चाहिए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे आधारित हो। एक लाइव स्ट्रीम पर SATL के सेठ जोशी ने कंफर्म किया कि वो SATL के लिए 1.5 साल में अपना पहला वीडियो रिलीज करने वाले हैं। ये वीडियो मुंबई में सेट किया गया एक ट्रेजर हंट होगा पर इसका इंस्पिरेशन है अमेरिकन एडवेंचर रियलिटी टीवी शो द अमेजिंग रेस। अबे हाँ, तेरे को भी ये न्यूज से इंस्पिरेशन लेना चाहिए ना। क्या मैं भी अपना एडवेंचर शो बनाऊं? नहीं, 1.5 साल तक तू भी वीडियोस मत बना। गॉड मिरर। आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते इंडिया के गेमिंग क्रिएटर और कास्टर सरदार जी वाईडी के यूट्यूब चैनल को टेंशन की तरफ से स्ट्राइक्स मिली। इसके बाद सरदार जी ने सोशल मीडिया पे ये स्ट्राइक्स रिवर्स करवाने के लिए और अपना यूट्यूब चैनल वापस पाने के लिए लोगों का सपोर्ट मांगा। इवेंचुअली उन्हें अपना चैनल वापस मिल गया। हाल ही में दुबई में ईस्पोर्ट्स एथलीट जॉनथन अपना पासपोर्ट गवा बैठे और इंडिया वापस नहीं आ सके। इसके बाद इंडियन एम्बेसी ने उनको नया पासपोर्ट दिलवाने में पूरी मदद की। फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड FSDL ने अनाउंस किया कि इंडिया की लौटी ऑफिशियल फुटबॉल ईस्पोर्ट्स लीग EISL की दूसरी सीजन फरवरी 2023 से लेकर मई 2023 तक खेली जाएगी। इस सीजन के चैंपियंस को FIFA 23 ग्लोबल सीरीज के क्वालिफायर्स में भी खेलने का मौका मिलेगा। जनवरी 10 को दुनिया भर में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल यूजर्स को एप्पल के ऐप स्टोर पर कोड एंड को डाउनलोड और अपडेट करने में इश्यूज आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि गेम ऐप स्टोर से निकाल दी गई है। कुछ ही देर में एक्टिविजन ने ये इश्यूज रिजॉल्व कर दिए और गेम फिर से ऐप स्टोर पे अवेलेबल हो गई। PUBG मोबाइल ने अनाउंस किया कि उनकी गेम में मार्शल आर्ट्स लेजेंड्स ब्रूस ली पधारने वाले हैं। वर्जन 2.4 के साथ एक्टिवेट होगा उनका नया मार्शल आर्ट्स शोडाउन फेस्टिवल एंड इस कोलैबोरेशन में हमें देखने मिलेंगे इन गेम आउटफिट्स का कलेक्शन, लिमिटेड टाइम आइटम्स इंक्लूडिंग स्किन्स जो ब्रूस ली के काफी सारे लुक्स को रेप्लिकेट करेंगे, काफी व्हीकल स्किन्स, पैराशूट्स, ब्रूस ली के थीम इमोट्स एंड और भी बहुत कुछ। और इसी के साथ होता है ईस्पोर्ट्स इन 5 का ये एपिसोड समाप्त। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। आया है देन मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो कर लीजिए पेंटा ईस्पोर्ट्स को सारे सोशल चैनल्स पे ताकि आपको मिले सबसे पहले अपडेट और साथ साथ हमें लोगों पे फॉलो करना मत भूलना। अगर हमसे बातचीत करनी है हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो और हमारे प्लेटफॉर्म pentaesports.com को जरूर विजिट करो। अभी मैं जा रहा हूं, मिलता हूं अगले हफ्ते विद अनदर बैंगर एपिसोड। टिल देन गुड बाय।